आम आदमी पार्टी के भास्कर राव ने टीपू सुल्तान पर जो मुतनाजा बयान दिया था उस पर रियासत में सबसे पहले यस इंडिया ने इस पर आवाज उठाते हुए रिपोर्ट पेश की थी। हमारी रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी में एक हलचल देखी गई। यस इंडिया की रिपोर्ट का हुआ इस वक्त बड़ा असर। जी हां, आज भास्कर राव ने इस पर अपनी बात रखी है। आज सुबह बेलगाम में भास्कर राव से हमने टीपू सुल्तान पर दिए गए बयान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वीडियो को एडिट करके वायरल की गई है, जबकि वो टीपू सुल्तान का बड़ा एहतराम करते हैं। जरा आप भी सुने। मैं तो हमेशा पहले से कहते आया हूँ और फिरका परस्ती बातों से लड़ते आया हूँ, जंग करते आया हूँ। एक बात, दूसरी बात, जहाँ रही आपने जो मुद्दा उठाया उस इंसान का, मैं बहुत कदर करता हूँ। मैं मैसूर में भी पुलिस कमिश्नर रह चुका हूँ और जो भी आप उस टीवी चैनल में देखें पूरी तरह से नहीं देखें। मैंने ये बताया कि लोग ऐसे जो भी कहा करते हैं, लेकिन हजरत टीपू सुल्तान श्रृंगेरी का देवल बनाया है, श्रीरंगपटना का देवल बनाया है, मंजनगुड़ का देवल बनाया है, उनके दीवान पूर्णिया जी थे और उनको जहाँ लगा कि ये सब हमारे साथ में है तो अपना साथ निभाए। इसलिए ये टूटे हुए जोड़े हुए कटे हुए वीडियो पर आप मत कीजिए। पिछले 33 साल से मैं जहाँ भी पुलिस की मदद किया हूँ, ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ खून खराबा हुआ या किसी का एक भी खून गिरा है। और मैंने सभी कम्युनिटी सेंसिटिव जगह में काम किया है। दावणगेरे में काम किया है, शिमला में काम किया है, दिल्ली दरबार में काम किया है, बेलगाम में काम किया है, कुर्ग में काम किया है और बेंगलोर सिटी में, खास करके इसलिए नासिक के दौरान जब सारे मुल्क में इस मुद्दे को लेके हंगामा हुआ, उस समय सभी लोगों को मैं कॉन्फिडेंस को लेकर, खास करके लेकर इनके नौजवान हो, हजरत हो या इंटेलेक्चुअल्स हो, सो ऐसी फिरका परस्ती बातों पर आप यकीन मत कीजिए। मेरे साथ रहिए। मेरी यही कामना है कि आम मुसलमान को अच्छी तालीम मिले, अच्छी सेहत मिले और आने वाले दिन में सभी लोगों को, खास करके मुसलमानों को, अच्छे मौके मिले अपनी बढ़ोतरी के लिए, मतलब प्रोग्रेस के लिए। सो ये जो आपने ये देखा है और आप ये चैनल की तरफ से एडिट है सर, 33 साल की नौकरी पे तो देखिए। और जिस तरह से मैं आपके कम्युनिटी के साथ में जिस तरह से मैं मिला मिला हूँ, ये कोई सियासती रिश्ता नहीं है, पहले से दिल का रिश्ता था। नहीं, मैं 33 साल पहले ये सोच के आया था कि भाई मुझे उर्दू सीखनी चाहिए, मुसलमानों को अपनी तरफ रखनी चाहिए, ये अपने आप आ गया, ये सिलसिला अपने आप आ गया। सो इसलिए इसको, इस बात को यहीं ख़त्म कीजिए और आगे के दिन अच्छी तरह से हम लोग प्रोग्रेस करते हैं इसके बारे में। थैंक यू मच भाई।